साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड, क्योंकि कुवैत में भी बहुत ज़्यादा लोग कुवैत में रहते हैं, उनको भी टेंशन है। जो इंडिया से कुवैत जाना चाह रहे थे उनको भी टेंशन है, तो उससे रिलेटेड अपन कुवैत से रिलेटेड बात करेंगे। साथियों कोरोना वायरस की आपको सबको पता ही है कि सबकी जड़ यही है। कोरोना वायरस की बात करें कुवैत में, तो कुवैत अब तक सबसे बेस्ट कंट्री मैं मान सकता हूँ कि जिसने तुरंत प्रभाव से कंट्रोल कर लिया कोरोना पे। मात्र 665 केस अब तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें वन डेथ हुई है अब तक। ये बहुत ही बेस्ट है कुवैत के लिए। लगभग 103 बंदे रिकवर हो चुके हैं। कोरोना वायरस पे कुवैत गवर्नमेंट का कंट्रोल जबरदस्त है। इसका रीजन आपको पता ही है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना। ये तो इंडिया में है कि जाहिर लोग गंवार लोग समझते तो है नहीं, बस बाहर निकलने की वजह से ये फैलता जा रहा है। बाकी अरब कोई भी खास तौर से गल्फ कंट्रियों में देख लीजिए, सख्ती से पालन होता है वहाँ पे, तो बंदा निकलने की हिम्मत नहीं करता। तो बस यही है कुवैत से रिलेटेड। साथियों न्यूज़ का आपको पता ही, भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ वहाँ पे बंद है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या फिर इधर उधर ट्रेन वगैरह सब टोटल बंद है। और उसमें कंपनियाँ की बात करें तो कंपनियाँ भी आपको पता है लॉकडाउन में बंद हैं, वर्कर घरों पर बैठे हैं, अपने मकानों में बैठे हैं, काम बंद है, जॉब बंद है, सैलरी वगैरह तो फिर तो क्या पता मिले कि नहीं मिले, वो एक अलग इश्यू। हालांकि गवर्नमेंट बोलती है कि सैलरी मिलेगी, कंपनियां देंगी, लेकिन वो तो आगे का प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता बैठे बैठे को इतने, अगर लंबा लॉकडाउन चल गया तो मुझे नहीं लगता दे पाएगी। तो सब यही बातें हैं। मेन पॉइंट क्या है, चाहे आप कुवैत में बैठे हैं चाहे आप इंडिया में हैं, अगर मान लीजिए आप कुवैत में बैठे हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, इसकी लॉकडाउन की वजह से आप वीज़ा रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चाहे आप या फिर आप इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से, कुवैत में कोई भी कंट्री का बंदा बैठा है, चाहे आप विजिट वीज़ा में गए हो, चाहे आप वर्क परमिट वीज़ा में गए हो, चाहे बिजनेस वीज़ा में गए हो, किसी भी प्रकार के वीज़ा में गए हो और वहाँ जाने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया लॉकडाउन होने की वजह से, तो भाई टेंशन ले लें, वीज़ा 100% आपका रिन्यू हो जाएगा। कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कोई ब्लैक लिस्ट नहीं होगे। कुवैत गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी है, आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरी बात, जो लोग इंडिया में बैठे हैं, जो छुट्टी आए थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वो नहीं जा पाते, चाहे आप विजिट वीज़ा आपने ले लिया, आप जाने वाले थे, आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है, पासपोर्ट में लगा हुआ है, या फिर आपका जो भी प्रोसेस कुवैत से रिलेटेड होने वाला था वो हो चुका लेकिन इस वजह से रुक गए हैं, तो भाई देखिए आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। किसी भी तरह का वीज़ा तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि 100% आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होने वाला, आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद रिन्यू हो जाएगा। दूसरी बात, टिकटों की बात करें तो एयरलाइंस कब ओपन होगी, तो भाई एयरलाइंस ओपन नहीं होने वाली हैं। 14-15 तारीख लॉकडाउन ओपन होने की जो अफवाहें हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि 14-15 तारीख से जो एयर एशिया एयरलाइंस वगैरह फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाली। 30 अप्रैल से पहले कुछ भी फ्लाइट ओपन नहीं होगी, आप टिकट होगी भी नहीं। पहले सो बोल रहे थे 15 तारीख के बाद आप टिकट करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, कुछ नहीं होने वाला। इसमें फ़ायदा इनलीगल वर्करों के, कुवैत में जो इनलीगल वर्कर थे जिनके पास पता का नहीं था, खामा नहीं था, उनके फ़ायदा ये हो जाएगा कि उनको गवर्नमेंट इस लॉकडाउन में फ्री में निकाल देगी बिना जुर्माना लिए। आपको ये बेनिफिट होगा और उनको तो टिकट भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो ये बेनिफिट आप कुवैत रहने वालों के हो सकता है। बाकी आप कुवैत में हो चाहे आप इंडिया में हो, आपका जो माइंड में शंका है ना, आपका वीज़ा, आपका खामा, आपका ये वो कैंसिल हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, तो भाई देखिए बर्बाद तो पूरा वर्ल्ड हो गया, आप क्या हो गए, टेंशन ले लें। बाकी आपका आपका जॉब नहीं जाएगा, आपको वीज़ा नहीं जाएगा, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से श्योरिटी मिली है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज अच्छी अच्छी अपडेट आपको मिलती रहे कुवैत से रिलेटेड। जय हिंद, वंदे मातरम।